से की विधायक विनोद बहना जी, यहाँ के प्रत्यक्ष शेट्टी जी, सम्मानित मंच। मैं राजीव बंसल एक भारी जन समूह के अंदर खड़ा हूं और मदन सेठी जी की धर्मपत्नी मीनू सेठी जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चेयरमैन की, उनका बहुत जन सैलाब के साथ उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ है विधायक विनोद भैना जी, जिनके कार्यालय का उद्घाटन वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ हवन के साथ हुआ है। कैसा माहौल नजर आ रहा है विधायक महोदय साहब? राजीव जी, आप अपने आंखों से देख सकते हैं ये किस तरह का माहौल है। आज हर आदमी के चेहरे पे एक विशेष चमक है। वो चमक इस बात की है कि उन्हें एक बढ़िया कैंडिडेट मिला भारतीय जनता पार्टी ने, बढ़िया पार्टी, बढ़िया कैंडिडेट। आज पूरा का पूरा शहर खुश है और ये खुशी लोगों के चेहरे पे झलक रही है। आप स्वयं प्रत्यक्ष दर्शी है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है। विजय से कितने अस्वस्थ है आप? पढ़ी लिखी है, शिक्षित महिला है, समाज सेवी है और धर्म पराय है, जिसको आप निकाल के लेके आए हैं। मैं समझता हूं कि हांसी में मीनू सेठी की भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी, बाकी सब कैंडिडेटों के कुल मिला के वोट एक तरफ, अकेली मीनू सेठी के वोट एक तरफ, ये मैं दावा करता हूं। इश्यूज क्या रहेंगे सर? मेरा तो बार बार, चाहे मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं और चाहे विधानसभा के चुनाव से आज तक, एक ही स्टेटमेंट देता रहा हूं कि मेरा एक संकल्प है, मेरा एक सपना है हांसी शहर को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाना। अगर जैसे ऊपर मोदी जी की सरकार है, स्टेट में मनोहर जी की सरकार है, हांसी में बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे हांसी का के लिए जो हमने सपना संजोया है और सपना जल्द साकार होगा और हांसी एक साफ सुथरा सुंदर शहर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ है रणवीर गंगवा जी। रणवीर गंगवा जी एक बार सर, प्लीज सर। रणवीर गंगवा जी जो प्रभारी हैं और जिनके ऊपर पूरा प्रभार है इस सीट को निकालने के लिए, मीनू सेठी जी एक शिक्षित महिला है, अपार जन समूह में देख रहा हूँ, दूर तक दिखाइए रवि जी कि इनके कार्यालय में इतनी भीड़ है, तो जब वोटों की जब गिनती होगी तो क्या होगी ये मैं अनुमान नहीं लगा सकता। ये बताइए रणवीर गंगवा जी, आप मेरे दिल के बड़े करीब हैं और आपने एक टिकट आवंटित की है एक शिक्षित महिला को और महिला को खासकर आपने तरजीह दी है मीनू सेठी जी के रूप में। देखिए जहाँ तक आपने प्रभार का बात कहा और आपने कहा कि बहुत भार है इन पे, मेरा भार तमाम जो हांसी के कार्यकर्ता साथी आप देख रहे हैं इन सब ने ले लिया है और सब ने अपने अपने चुनाव जो है वो संभालने का काम किया है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आज जो कार्यकर्ताओं को जो जोश है, चाहे हमने नॉमिनेशन वाले दिन आज जो कार्यालय का हमने विधित रूप से आज यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन करवाया, हवन के साथ जो है उद्घाटन करने का काम किया है, यहाँ से चुनाव संचालन समिति बना करके विधित रूप से आज हम चुनाव चलाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से मीनू सेठी जी जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ हर वर्ग को सम्मान देने का काम करती है वहाँ महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि हमने पंचायतों के अंदर भी 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है और उसी के तहत महिलाओं का सम्मान करते हुए यहाँ पे मीनू सेठी जी को हमने चुनाव मैदान में उतारा है। 25 उम्मीदवार और उतारे हैं आपने? हमने 27 उम्मीदवार टोटल थे, एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गया, एक हमने खुले छोड़े और टोटल 25 उम्मीदवार हमने निशान के ऊपर एमसी के उतारे हैं। निश्चित रूप से मीनू सेठी जी भी और सारे के सारे हमारे पार्षद जो है भारी मतों से जीते हैं। विजयी भाव हम तो यही कह सकते हैं और ये दिखाते हैं। धर्मवीर जी मेरे साथ खड़े हैं, आइए आइए धर्मवीर जी। एक महासचिव हैं जिला के, कैसा माहौल नजर आ रहा है? आपने कमल का फूल लगा रखा है, बहुत अच्छा माहौल है। आप देख रहे हो चारों तरफ उत्साह बहुत ज्यादा और हम लोग सभी पार्षदों के सीटें जीतेंगे और चेयरमैन भी हमारा होगा। परमारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा ही नॉमिनेशन पे आपने जन सैलाब उमड़ा था और ऐसा ही आज कार्यालय के उद्घाटन पे भैना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुड़ गए हैं मदन सेठी जी, आपकी धर्म पत्नी बड़ी शिक्षित है, बड़ी श्रद्धालु है आपकी तरह, और आप इस चुनाव को कैसे ले रहे हैं? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। हाँ।
भगवान ने चाहा, जनता का प्यार हमारे साथ है और अच्छे वोटों से विजय करके आएंगे। अच्छे वोटों से विजय करके आएंगे यानी कि अपने अपोनेंट को बिल्कुल जमाना जब्त करा देंगे क्या? नहीं नहीं, हमारा मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ, मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इतना है, का प्यार इतना है कि आप सोच ही नहीं सकते। जनता 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 का प्यार है और हमारे को जनता का प्यार मिलेगा और हाँसी शहर हमारा परिवार है। सर आप अक्सर कम बोलते हैं लेकिन उत्साह में आज आपके शब्द भी निकल रहे हैं। प्यार निकल रहे हैं, जनता का प्यार ही इतना मिल रहा है, सोचा नहीं था हमारे को इतना प्यार मिलेगा। 36 बरादरी आपके साथ, जब हाँसी शहर मेरा परिवार है 36 बरादरी उसमें सारे ही आ गए। मीनू सेठी जी किधर बैठे हैं जरा बताइए? ये बैठे हैं पीछे। सेठी जी आइए आइए। मीनू जी मेरे साथ, मीनू सेठी जी खड़े खड़ा होना पड़ेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल। मेरे साथ है भाजपा प्रत्याशी जो चेयरमैन के प्रत्याशी है मीनू सेठी जी हैं। मीनू सेठी जी आज जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया था, जब भी इतना जनसैलाब था और आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हवन यज्ञ हुआ है वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जिसमें आप विश्वास रखती हैं, कितना उत्साह और उमंग के साथ चुनाव लड़ रही हैं आप भाजपा के कमल के फूल के साथ? हाँ जी उत्साह के साथ। बोलिए कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आए हुए सभी मेरे भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों माताओं को यहाँ पहुँचने पर मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। आने वाली 19 तारीख को जो चेयरमैन के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं वो मुझे वोट भी दें और सपोर्ट भी करें मेरा। आप अपनी जीत के लिए कितने अस्वस्थ हैं? 101% बहुत अस्वस्थ है। कितने परसेंट जीत जाएंगे आप? जीती बड़ी हूँ, जीती बड़ी हूँ। ये मीनू सेठी जी का कहना है कि जीती बड़ी हूँ और देखिएगा जब सलाम। हाँ जी बताइए। 100% कमल का फूल खिलेगा हाँसी में और ये पूरी उम्मीद के साथ। और आज जो कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिखा है, उमड़ के आया है, इससे लगता है कि 110% कमल 100% फूल खिलेगा यहाँ के लोगों का कहना है। और ये सामने पंक्ति में बैठे हैं विधायक महोदय रणवीर गंगवा जी जो प्रभारी हैं, सारा दायित्व तो आपके ऊपर आ गया है यहाँ की सीट निकालने का, तो देखिएगा कि ये जन समूह कितना है। मैं राजीव बंसल देखते रहिए हाथी की आवाज। आज मीनू सेठी जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है गांधी मार्केट के अंदर, इसी तरह उत्साह बनता रहा तो ये नैया इनकी पार होगी। नमस्कार चले।